सोनाली जी ओके यस फाइनली वो दिन आ गया है जब हमें मिलेंगे हमारे सुपर 16 ड्रामेबाज। लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे ड्रामेबाजों के लिए क्योंकि पेपर हमने खुद सेट किया है इस फाइनल एग्जाम का। India's best drama buzz powered by Fog and special partner Tata Ace Gold and HP Ink Tank Printer. Mein aaj final exams dene ke liye josh se bharpoor hain hamare nanhe drama buzz. Ye aapke exam ka question paper hai, yani ki scripts. Ye scripts aapko yaad karni hai. So drama buzzo, are you guys ready? Jo drama buzz इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे वो हमारे सुपर 16 ड्रामेबाजों में आएंगे। मुझे कॉमेडी एक्ट समझ में ही नहीं आ रहा। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार। स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, इसमें डायलॉग्स भी बहुत मस्त है, मुझे तो मजा आएगा करने में। खिस खिस के भेजा करने तेज़ार यार रट्टा मार। तीन दिन बाद मेरा सुपर 16 का फाइनल एग्जाम है, मुझे हर हाल में जीत के आना है, सुपर 16 में सिलेक्ट होना है। तो चलिए बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट को। मेरा नाम इनायत है, मैं 6 years की हूँ और मैं लुधियाना से हूँ। मुझे कॉमेडी एक्ट करना बहुत पसंद है। आई फाइनल एग्जाम है सुपर 16 का, बहुत नर्वस है मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत डर लग रहा है और इनायत बिंदास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हूँ। यह बस ड्रामेबाज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे अंग अंग में कीड़ा और मैं एक्टिंग करती रहती हूँ, एक्टिंग के सिवाय मैं कुछ करती नहीं। पर अब आई होप कि विवेक सर जो सुपर 16 है उसमें मुझे सिलेक्ट कर दे। इनायत कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे पिछली बार आप आई थी तो थोड़ी लंबी थी, आप छोटी कैसे हो गई? नहीं छोटी तो नहीं हुई। हाँ थोड़ी कम हो गई आप। आपको लग रहा होगा। हाँ मुझे ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा है? हाँ थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। हाँ अभी अभी आप बड़ी लग रही, थोड़े पीछे थे ना तो छोटी लग रही थी। अच्छा पापा कहाँ हैं? पापा नहीं आए आज? पापा को ना प्रेशर है पोती करने का तो वो पोती गए हैं। अरे फिर से हमेशा उधर ही बैठे रहते हैं क्या? अरे एग्जाम का प्रेशर है ना। एग्जाम का प्रेशर? एग्जाम का प्रेशर है तो पापा को पोती आ गई। हाँ भाई कमाल है, जब ये पास हो जाएंगी तो खुद ही खुद दरवाजे से बाहर आ जाएंगे वो। इनायत आपको तो प्रेशर नहीं लग रहा ना एग्जाम का? बिल्कुल नहीं ना? आप बिल्कुल तैयार है ना? हाँ जी। शुरू करें? हाँ जी। लाइट्स, कैमरा, ड्रामा। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले दया रे दया, कैसा है मेरा सैया? क्या जमाना होता था, ये गाना गाओ तो पति मनाने लग जाता था कि नहीं नहीं तुम मायके मत जाओ मत जाओ। पर अब इस कलयुग में ये गाना गाने की देर है, पति खुद आगे से कहता है हाँ बहुत देर हो गई है, यू मस्ट गो। कहो तो मैं छोड़ाऊं? सुनाली मैम जी, मुझे मेरे पति अब पति कम कुड़कुर कुमार ज्यादा लगते हैं, कुड़कुर कुमार। अगर मेरे पति गाजर के हलवे के पास 5 मिनट बैठ जाए ना तो वो गाजर का हलवा करेले का हलवा बन जाता है, करेले का।
सर। हाँ जी। शादी से पहले मेरे पति की आवाज सोनू निगम जैसी मिठास थी। कितने प्यार से आवाज देते थे ना मुझे, इनो, अरे मेरी जानो। पर अब उनकी आवाज गुस्से वाले नाना पाटेकर की जैसी है। अच्छा है, अच्छा है। इनो की जगह हर बात पर नो 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 सुनता है। ए जी, कभी शॉपिंग ले चलो, नो। ए जी, कभी रोमांटिक डिनर तो करने चलते हैं, अरे नो भाई नो। तो देख लिया आप सबने, दया दया ऐसा है मेरा सैया। थैंक यू गुलाबी। अरे दैया, कैसा है मेरा सैया। इनू जानू के मम्मी और पापा स्टेज पे आ जाइए। इनू जानू, आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि आप सिर्फ 5 साल की हैं। इतना अच्छा वेरिएशन और जिस तरह से प्रेजेंट किया। कॉमिक एक्ट अक्सर एक ही आवाज में बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन आपने उसके अंदर वेरिएशन लाए, परफॉर्म इतना अच्छा किया और इतनी क्यूट थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ये कर देना चाहिए। क्या 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 ये क्या ये क्या तो मेरे हिसाब से आप सुपर्ब हैं और मैं चाहता हूं कि क्या हो गया, ठीक है पानी डाले। ए नायक, तेरे को क्या हुआ? पानी प्लीज, पानी। इनू क्या हुआ? ओए इनू, ओए इनू, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पानी पिला, क्या हो गया इसको? ओ टिड्डू क्या हुआ? हेलो हेलो, पानी क्या हुआ? पानी पानी पियो बेटा, क्या हो गया? यार एक्ट में ना एक दो कल से खा नहीं रही थी। हम बोलते हैं बच्चे फंकी, टोटल नौटंकी। इनू एक बात बताओ, इनू मैंने पिछली बार आपको कीड़े के साथ जो प्रैंक किया था, इसकी वजह से आपने ये किया मेरे साथ? इनायत, आपको हम कहेंगे कि आप घर जाइए और खूब होमवर्क कीजिए और हम फिर मिलेंगे आपसे। अरे एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आ गया? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी आपको अगली बार पकड़ूंगा एक प्रैंक में, देखते हैं होता क्या। इनू बेबी, आपने हमको बहुत डराया, दिस इज नॉट गुड। वो कमेंट्स पर आएंगे आपके लिए और मैं वो माइनस मार्क्स ही लिख रहा हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं करना चाहिए। Not sir. नहीं क्या? Take a chill pill. That was my chill pill. क्या बे? What is this? छोटा पैकेज, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका। ये जो गुड़िया है पूरी ड्रामेबाजी की पुड़िया है। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू टू मैम, लव यू टू सर। माइनस मार्क, माइनस माइनस, देख नॉट अलाउड, नॉट शाम को देख 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 चिल कैसा पिल होता देख तेरा। अगर वो माइनस दे देंगे हम दोनों और प्लस कर देंगे। तो रिजल्ट्स तो बाद में मिलेंगे। यस, अब के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय। बाप रे, इसके बाद यार कोई शांत बच्चा भेजो प्लीज, प्लीज। थक गए हम लोग। मेरा नाम जोया है, मैं 10 साल की हूँ और मैं जयपुर से हूँ।
ऑडिशन राउंड में जजेस के सामने मेरा आर्मी ऑफिसर का एक एक्ट था। सर कटने तक मैं अपने देश की उसी जज्बे और हौसले से सेवा करती रहूंगी। मेरी फैमिली सबसे हैप्पी फैमिली है। मेरी फैमिली में मेरा छोटा सा क्यूट सा भाई है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग मेरी मम्मी के साथ है। मैं और मम्मी बहुत खेलते हैं। जब मम्मा खाना बनाती तब मैं भी थोड़ा उनके साथ हेल्प करती हूँ उनकी। पापा ने हमेशा से मेरे को इनकरेज किया ये सब चीज़ करने के लिए। एक्ट प्रिपेयर करने में मेरी बहुत मेहनत लगी और उससे सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का है, क्योंकि मेरे पापा रात भर बैठकर स्क्रिप्ट उतारी, फिर उसको मेरे लिए अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया कि मतलब याद करने में इजी होता कि मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को लोग उनके नाम से नहीं मेरे नाम से पुकारे और बोले कि ये देखो सोया कि मम्मी पापा गए। जोया कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। पिछली बार ऑडिशंस में आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आज आपको लगता है आप उससे आगे निकल पाएंगी? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू कीजिए। लाइट्स, कैमरा, ड्रामा। हर रविवार को यहाँ बैठे बैठे मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब हम खुश थे, बहुत मजा आता था। सैटरडे को मम्मी पापा और मैं तीनों लेट उठते, फिर बिल्डिंग के पार्क में घूमने जाते, बहुत मस्ती करते, और संडे को तो और भी मजा आता। पापा सुबह उठते ही मम्मी से बोलते, आज घर का काम हम करेंगे, तुम सिर्फ आराम करोगी। मैं और मम्मी बैठकर सिर्फ ये देखते रहते, हम बहुत मजे करते। धीरे धीरे मम्मी पापा काम में बिजी रहने लगे, अब संडेज इतने मस्ती वाले नहीं थे। फिर आई मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मम्मी ने घर का सारा काम भी कर लिया और पार्टी भी अच्छे से हो गई। मैंने भी पार्टी में बहुत एंजॉय किया, पर जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मम्मी ने पापा से कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, इस घर को संभालने वाली कोई नौकरानी हूं। इससे पहले पापा कुछ बोलते, मम्मी ने मुझे बेडरूम में भेज दिया। मैं रूम में गई और मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया। मम्मी पापा के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब देखो तुम यही कहते रहते हो, सारी गलती तुम्हारी है। तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। निकल जाओ, निकल जाओ। मम्मी कुछ बोलती, कभी पापा कुछ बोलते, कभी मम्मी चिल्लाते, कभी पापा चिल्लाते, और मैं ये सब सुनती रही और रोती रही। और रोते रोते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। जब मैं सुबह उठी तो सब कुछ शांत था। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि पापा घर पे नहीं थे। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए? मम्मी ने बोला, बेटा हमने अलग होने का फैसला कर लिया है, अब से सप्ते के 5 दिन तुम मेरे साथ और 2 दिन पापा के साथ रहोगे। मम्मी पर ऐसा क्यों? मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। चुप, हम तुझसे बड़े हैं, हमें पता है तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमारा डिसीजन फाइनल है। ऐसे ही एक रात में इन बड़ों ने इस बच्ची की जिंदगी का फैसला कर लिया। अगर इसे ही बड़ा होना कहते हैं ना, तो नहीं होना मुझे बड़ा। पिछले 3 साल से जिंदगी ऐसे ही चल रही है, 5 दिन मम्मा के साथ, 2 दिन पापा के साथ। मैं खुश हूं,
पर अब वो मजा नहीं। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। एनिवर्सरी वाले दिन मैं मेरे मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लाएगी। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। पर मैं उन्हें ये दे नहीं पाई। जुदा हुए कदम जिन्हों ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। मम्मी पापा, मैं एक दिन आपको ये गिफ्ट जरूर दूंगी। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो। जोया के ये जरूरी है कि हर बार आप रुला दो हमें? मतलब जरूरी है ये? It's not fair यार। प्लीज प्रॉमिस करो अगली बार आओगी हंसा के जाओगी, नहीं तो नहीं ले जाती सुपर 16 में। जाओ। मैं अगली बार हंसा के जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई थिंक हमारे रिएक्शन से सब पता चल गया। मम्मी पापा आ जाइए। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू मैम। तीन दिन पहले स्क्रिप्ट मिली है लड़की को, उसने ये स्क्रिप्ट पूरी की ही नहीं, उसको अपना लिया। ये स्क्रिप्ट इसकी थी, शी ओन्ड इट। थैंक यू मैम। विश्वास ही नहीं होता कि ये इतनी छोटी बच्ची है। सिर्फ 10 साल की। सिर्फ 10 साल की। शी सो नेचुरल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। कितने ऑनेस्टली आप परफॉर्म करते हो, मतलब एक्टिंग नहीं है ये। थैंक यू सर। एंड आई नो दैट आप बहुत आगे जाओगे। यू आर वन ऑफ द टॉप 3। यू आर फैंटास्टिक फॉर मी। थैंक यू सर। इन 3 सीजन्स में हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि एक ही बच्ची ने 2 एक्ट बैक टू बैक परफॉर्म किए, ऑडिशन में और मेगा ऑडिशन में, और दोनों में स्टैंडिंग ओवेशन लिया। तीनों जजेस के आंखों में आंसू आ गए पहली बार। यार मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये जोया ना, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए सुपर 16। आई एग्री विद यू। तो हम रिजल्ट के एंड तक वेट नहीं करते यार, इसको दे देते हैं, इसको बोल देते हैं यू आर इन द सुपर 16। चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना। फाइनल एग्जाम में डिस्टिंक्शन से पास होकर जोया ने तो टॉप 16 में जगह बना ली और अपने माँ बाप का सर भी फख्र से ऊंचा कर दिया। और अब टॉप 16 की दौड़ में शामिल होने आ गए हैं जूनियर मिल्खा सिंह।
अभी आपको उमंग सर को भी ऐसी ट्रेन करके दिखाना है, ठीक है ना? 500 पुशअप्स वगैरह करा के सब। तो आपको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मेरे से। पहले वेविक सर आएंगे, उनको टायर बांधूंगा और खुद टायर पे बैठ जाऊंगा। ओह माय गॉड। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब नहीं। मिल्खा सिंह की दमदार ट्रेनिंग ने जजेस के पसीने निकाल दिए, लेकिन हमारी अगली ड्रामेबाज अपने साथ लेकर आई हैं हंसी की फुहार, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वाली वंशिका। विवेक सर, मेरे लिए एक रिश्ता आया था, मेरी बुआ के सास के भतीजे के लड़के का। बुआ के सास के भतीजे का लड़का? पूरे परिवार ने मिलकर मेरा इंटरव्यू ही ले दिया। बेटा चाय बना लेते हो? बेटा चावल को पकने में कितनी सीटी लगती है? ऐसा लग रहा था रिश्ता नहीं खाने खजाने का ऑडिशन चल रहा हूँ। वंशिका तो तंग आ गई अपने रिश्तेदारों से, लेकिन हमारी छप्पन छुरी भाई की भाईगिरी के आगे सबकी बोलती बंद हो गई। छप्पन छुरी का है। और आपको इलाके में रहना है तो हफ्ता तो देना पड़ेगा। अपन तो आज तक भाईगिरी करता था, भाईगिरी सुनता था, आज तो बहिनगिरी भी देखने को मिल गया रे। भाईगिरी से तो सबको डर लगता है, पर क्या आपने कभी सुना है लुंगी का खौफ? बाप रे, इस चड्डी में से हमारे लिए गिफ्ट निकली थी आज, सोनाली मैम के लिए एक चड्डी में से गिफ्ट निकालो यार। आज कोई गिफ्ट नहीं लाया। लाया कोई बात नहीं, गया गया हाथ अंदर गया पीछे। ओह क्या है भाई, क्या निकालने वाला है? अरे बाप रे बाप रे, ओए होए होए, ओहो मेरे पास नहीं है ना, सोनाली मैम के पास जाना डायरेक्ट। ओह भाग गई पीछे भाग। क्या निकल रहा है वो? एक्चुअली अब मुझे देख नहीं दो, ये निकाल क्या रहा है? ओहो हाँ, ये दो दो। अब बच्चा फूल देगा तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। एक सेकेंड। ले लिया, हाथ में ले लिया। अच्छा एक बार फूल सुन तो लो। बच्चे जो हैं वो प्यारे होते हैं, प्योर होते हैं। इट्स ओके। क्या बात है, क्या बात है सोनाली, फॉर यू। बच्चे फंकी, टोटल नौटंकी। फाइनल एग्जाम के इस टेंशन में भी अपनी परफॉर्मेंसेस से
इन ड्रामेबाजों ने सबका मनोरंजन किया और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया हमारे अगले कंटेस्टेंट ने। मेरा नाम श्रेशा है, मैं 9 साल का हूँ, मैं बैंगलोर से आया हूँ। ऑडिशन में हिरण्यकश्यप को किया था, जजेस बहुत खुश हुए। उसको कोई भी अवतार लेने दो, मेरा वध असंभव है। आपके एक्ट में वेरिएशन भी था। मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़े कॉमेडी रोल्स में देखना पसंद करूंगी। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टिंग होंगे उन रोल्स। शांतनु भैया ने जजेस के तरफ से एक बैग दिया था, उसमें हमारा चॉकलेट्स और स्क्रॉल था। स्क्रॉल में मेरा स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट लर्न करना डिफिकल्ट था, बट जब मैंने स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए, मैं एक लाइन पढ़ूंगा और कुछ भी खाऊंगा, बार बार रिकॉर्ड लाइन पढ़ूंगा और कुछ भी खाऊंगा, ऐसे मैं याद रखूंगा। क्योंकि तब मैं अच्छे से खाऊंगा तो स्क्रिप्ट अच्छे से याद रहेंगे ना। फाइनल एग्जाम और सुपर 16 में सेलेक्ट होने के लिए मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मुझे पता है मैं सेलेक्ट होऊंगा। अरे नमस्ते। ओहो, फादर जी भी यहाँ आए हैं। ए हरी, ए हरी, ए हरी। आरएसएस एक्ट कर लो, फिर बातें करेंगे। ओके, रेडी, लाइट्स, कैमरा, ड्रामा। अरे मेरे जैसे डांस किसको आते, कोरियोग्राफ को मैं ही सिखाते, तू करके आते मुझे सीख जाते, मुझे सीखे वो लोग को सिखा दे। मैं पंडित हम भोलेनाथ स्वामी जी। मैं लोगों का भविष्यवाणी बताता हूँ। कल मेरे पैसे एक आदमी उसकी कुंडली लेकर आया था। पंडित जी, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में सिर्फ सुख ही सुख है। राशि के साथ साथ तारों का भी ज्योतिष विज्ञान में एक महत्व होता है। तुम सब लोगों को तारों के बारे में समझाना है तो श्री 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 तलेन मेहंदी जी का ध्यान लगाना होगा। बोलो। तनक तनक तन तनक तनक तन तनक तनक तन तारा रा, तनक तनक तन तनक तनक तन तनक तनक तन तारा रा। मिथुन राशि वालों, मैं आपको एक बात बताना चाहना हूँ। दिन में 4 बार क्या बात क्या बात क्या बात बोला करिए और खूब डीआईडी देखा करिए, क्योंकि उसमें मिथुन दादा आएंगे। आपको शुभ होएगा। अब काम में आते हैं। उमंग सर, आपकी क्या राशि है? लिब्रा। नहीं 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 नहीं, तो? इस शो मैंने के लिए राशि लिया था ना। बाद में बोलिए, छोड़िए 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 छोड़िए, बाद में बोलिए, बाद में बोलिए। कुछ राशि नहीं रे। सोनाली जी। अरे इसको क्या हो गया? गुड वन गुड वन गुड वन। कोई राशि नहीं, कोई राशि नहीं, कोई राशि नहीं, कोई राशि नहीं। आपको पता है आप भी एक कन्या है? आपको पता था क्या? और हमारी फेवरेट राशि भी कन्या है। जैसे मैं बोलूं तो मेरी पहली राशि तो सिंहम। उसके बाद मुझे शादी होने के लिए एक भी लड़की नहीं मिली, इसके लिए मैंने राशि ही चेंज करके कन्या रख दी। मेरे रियल लाइफ में तो नहीं, राशि में तो कन्या मेरे साथ है ना। विवेक जी, आपकी कौन सी राशि है? कन्या राशि। एक मिनट, एक मैसेज आया है। आपका मैसेज सामने बैठ
तो ही मैसेज है। पढ़ूंगा, मेरा इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का राशि कब डबल होएगा? हाँ हाँ हाँ, राशि तो डबल होएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपके इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज शो में एक रामू श्रीनिवास श्रीशा नाम का लड़का आएगा। शायद हमने आरएसएस आप उसको सेलेक्ट कर दिया तो आपकी राशि भी डबल होगी और आपको भाग्योदय होगा। सिलेक्ट अरे मेरी जैसे डांस किसको आता पूरी योग राज को मैं ही सिखाता तू करके आता मुझसे की जाता मुझसे की हो लोग को सिखाता लगा गई खुशबू मत में लस्सी मिला गई आ जाओ सारे मूड बना गई लग गई। जहाँ एक और सारे बच्चे अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, वहीं एक बच्चा ऐसा भी है जो अपनी ही धुन में मस्त है। मैं यहाँ का मॉनिटर हूँ। मैं काली रात का तारा बाढ़क सुनियारा न्यारा। मैं यहाँ की आन पान शान। बेगपुर का चौधरी रखकर दूंगा मकमा। यहाँ बच्चे ड्रामेबाज बनने हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ रूल्स फॉलो कर लो, रूल्स फॉलो कर लो। वो आईडी कार्ड नहीं पहनते हैं। आईडी कहाँ है आपका? क्या मोबाइल के गेम में लगे हो? ये बंद करो, आईडी पहनो सब। ये शर्ट के बटन क्यों खुल गए? मैं यहाँ का मॉनिटर हूँ, सिर्फ मैं बटन खुले रखूंगा। किसी के हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होती है। वो कोई बच्चा फोन देख रहा तो कोई बच्चा खेल रहा, इसी के लिए मैं उनके नाम लिख के जजेस को देख के आ जाऊंगा। फिर जजेस देखेंगे कि किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मर्दों। फिर से टिक टिक आ गया। यार ये फिर घोड़ा बना के ले आया शांतनु को। ये मॉनिटर बनकर बच्चों को बाहर परेशान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। टिक टिक घोड़े बन। शांत हो ना, कर रहा हूं मेरा एक्ट आ गया है। शूटिंग के लिए आपको बात ही नहीं मान रहा। अरे पहले बीच में तो आओ, वहां पे सेंटर में आओ। इधर आओ। ये सबको मॉनिटर बन के पीछे सारे बच्चों को परेशान कर रहा है। हां मुझे भी, तभी तो मैंने कंप्लेंट्स लिखी है। कंप्लेंट्स? किसकी कंप्लेंट? अरे यही मॉनिटर हूं ना, इसी के लिए कंप्लेंट्स लिखी है। लाओ पढ़ेंगे, दे लाओ। क्या कंप्लेंट है बताओ? किसको ले आया शांतनु तू? किसको ले आया ये? अरे मैं मॉनिटर हूँ सर, कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं। गर्वित की मामा, हुआ क्या है इसको यहाँ पे? कल इसको चोट लग गई है। चुप पहले मारो। कल टेबल की इसको काफी लगी तो स्टिचेस आए इसे। गर्वित, मेरे स्टिचेस नहीं आए। फिर? मैं अभी भी ठीक हूँ। मैं मॉनिटर हूँ, मॉनिटर को कभी चोट से डर नहीं लगता। अच्छा, मॉनिटर ने क्या लिखा है पहले ये तो पढ़ के बताओ सोनाली मैम, ये क्या इसमें लिखा है? गर्ल्स ट्रबल मी। गर्ल्स ट्रबल मी? लड़कियां आपको तंग करती है क्लास में? हां हां, मैं लड़कियों को तंग करता हूं। ये अब वो छोटा बच्चा नहीं बना मैं, वरुण धवन। अब एक्ट करूं? प्लीज। Lights, camera, drama. Angad, Fire. Oh, मैं ये बताने आया था किसने ना पट गई है। अच्छा ना, उससे शिद्दत तो वाला प्यार हो गया। ला उसी का फोन है। सुन नैना, तुम कुछ अपने प्यारे मुंह से तीन प्यारे वर्ड्स बोलोगी बेबी।
अरे कितनी बार बोलूं आई लव यू? अब तो रफील के साथ आई लव यू. You're kidding me, you're kidding me. अच्छा क्लास में with sweet sa, soft sa, strawberry flavored wala. Okay, baby, I coming. I coming. अंगद, मुझे रोक मत, क्योंकि तूने अभी मेरी पूरी हिस्ट्री नहीं जानी है. जब मैंने शहर छोड़ा था, सारा शहर मुझको छोड़ना था. मैं दिखता हूँ बड़े स्वीट, मिसेस स्वामी सा ना, पर मैं हूँ बहुत बड़े तूफानी टाइप का. और अगर तूने गलती से भी मेरा मम्मी डैडी तमिल सुनैना को याद किया तो मेरा जाने वाली ट्रेन पकड़ूंगा. गली नंबर 14 में जाके, कोठी नंबर 12 में जाके तेरी माँ के चरण छू के बोलूंगा, हे माँ मुझे माफ कर दे माँ, क्योंकि आज मैं तेरे लाल का वो हाल बनाने वाला हूँ जैसा वर्ल्ड कप में धोनी ने पाकिस्तान का किया था. अब तक अंगत मेरी पावर. देखा अंगत मेरी पावर. थैंक यू. ये इतना बड़ा एक था मेरा. एक मिनट घर में. थैंक यू. ये क्या था? क्या ये क्या था? ये क्या है? वरुण धवन देखकर बहुत खुश होगा. एक सेकंड गर्वित, एक मिनट. इसके साथ कौन आया पहले? हाँ, इसकी मम्मी तो आई है, और कौन आया है? मेरी दीदी. दीदी आप भी आ जाओ. गर्वित की मामा और दीदी, आप इसको घर पे संभालती कैसी हैं? संभाल जाता है बस अपने आप. कुर्सी तोड़ रहा है, देखो अभी कुर्सी तोड़ दे. एक मिनट गर्वित, फिंगर ऑन लिप्स. अब मामा और दीदी बताओ हमको. मैम यही करते हैं कि अब संभालते ही नहीं है. इसलिए जो करना है उसको करता है वो. पब्लिक में तो बहुत बार संभाला, लेकिन कुछ ऐसा बोलते था कि फिर हम सोचते कि नहीं हमारा बच्चा ही नहीं है. अच्छा हम अपने कॉमेंट दे दें उससे पहले कि वो बोलने लगे. पहले कि ये कुछ बोले. करेक्ट गर्वित, आप सच्ची में डायनामाइट हो, और कुछ तो इस लड़के में है. माय गॉड, ये सच्ची में ड्रामेबाज है. ये देखो. वो देख अभी सब तैयार हो गया. बहुत शरारती है लेकिन इसमें है फुल ऑन ड्रामेबाज कैरेक्टर. तो फुल ऑन चैप्टर बोलते हैं ना, चैप्टर भरा पड़ा है, भरा पड़ा मतलब मजा आएगा. इसको कोई नहीं सिखा सकता. अच्छा भाई, मुझे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा. जब सुनैना से बात चल रही थी आपके रोमांटिक, और जब आप स्ट्रॉबेरी वाली किसेस वाली बातें कर रहे थे, उसमें जो परफॉर्मेंस था जेन्युइन था, अच्छा था, प्यारापन था उसमें. मुझे लगता है कि ये शो का नाम इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज रखा गया आप जैसे किसी बच्चे को देखकर. बट गर्वित खड़े हो जाओ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. पीछे तो आप बड़ा मॉनिटर बन के जितने बच्चे हैं उन सब की आप रिपोर्ट लिख रहे थे और क्या क्या कर रहे थे पता नहीं. आपके स्कूल से हमें एक रिपोर्ट कार्ड आई है. स्कूल से? रियली? आपका वो एक क्या पारुल मैम और दूसरी एक पूजा मैम, दोनों ने एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड भेजी है. ये देखो, द आई ड्रीम स्कूल. ये रिपोर्ट कार्ड है गर्वित परीक के जी. अरे यार हर चीज में फेल है. देखो ओवरऑल ग्रेड डी माइनस. गर्वित आपका यही रिपोर्ट कार्ड है? मुझे पता है ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है. 15 स्कूलों से निकाला गया हूँ, 10 पुलिस ऑफिसर्स ने तो मेरी वजह से अपना ट्रांसफर भी कर लिया, और एक आधा एमएलए तो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग गया. किससे बात कर रहा है तू? एंग्री यंग मैन. एक बार मैं कुछ बोलूं? नहीं, अब आप पीछे जाना और अब मॉनिटर नहीं बनना, ठीक है? और वेट करना, हम रिजल्ट बताएंगे. टाटा बाय. अच्छा बच्चा है, गुड बॉय गर्वित. थैंक यू.
बाय बाय। अरे बाप रे बाप रे बाप। ओहो हो हो। वैसे अगर हम इसको ले भी लेना तो शायद मेंटर्स बाद में हम तीनों को मारेंगे कि इसको हमारे पल्ले भेजा है। ये ऐसे ही बच्चों को देख के उन्होंने वो लाइन लिखी है, बच्चे फंकी टोटल नौटंकी। नहीं, ये नौटंकी का बाप है, ये समथिंग एल्स है, इस प्लेनेट से नहीं है। इसके मंच पे आने वाले हर बच्चे फंकी टोटल नौटंकी का सिर्फ एक ही सपना है, सुपर 16 में जाने का। नहीं, इमोशनल मत होइए, फायदे बहुत है ना, नेम फेम पॉपुलैरिटी मेकअप दादा स्पॉट दादा वैनिटी वैन सब मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, ये सपने के साथ साथ वो सपना भी पूरा हो जाता है जो हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए देखा कि उनका बच्चा स्टार बनेगा। आप देखो अगले ड्रामे बाज को। तीन तीन नाम और एक चेहरा, हर्ष राज लकी। स्क्रिप्ट थोड़े जोरदार मिली थी कि ठीक ठाक है? जोरदार जोरदार। तैयार हो? हाँ। लाइट्स कैमरा ड्रामा। वन सर, आपने तो सुना ही होगा, ये मत करो लोग क्या कहेंगे, वो मत करो लोग क्या कहेंगे, धीर शिखर मत आओ लोग क्या कहेंगे। दरअसल विवेक सर वो सब मम्मी है, हमारा नाम है पड़ोसी, हमारी हॉबी होती है हर चीज में टांग अड़ाना। हमारा जन्म तो सिर्फ बगल वाले के घर में ताकने झांकने और गलतियां निकालने के लिए हुआ है। हमारे पास महादेव का वरदान है कि हम बगल की दीवार में कान लगा के सुन सकते हैं। हम बहुत ही जिज्ञासु प्राणी हैं कि बगल के घर में क्या हुआ, कौन किससे लड़ा, किसने किसकी चुगली की, हमें हर चीज जानना होता है। हमारे यहाँ फ्रिज आया तो बगल वाले ने देखा देखी डबल डोर फ्रिज आया। हमने 36 स्विच वाला कलर टीवी लिया, बगल वाले ने 50 इंच वाला कलर टीवी लिया। हमारे यहाँ एक लड़का हुआ कंपटीशन में, बगल वाले के यहाँ दो लड़का हुआ। तो देखा ना आपने, इंसान की तरक्की के लिए इंसान कितने सारे सामान खरीदते हैं। वो सामान खरीदेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो नौकरी बढ़ेगी और नौकरी बढ़ेगी तो इंसान तरक्की करेंगे और इंसान तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। इसलिए मुझे मेरे भारत सरकार से अपील है कि मुझे मेरे देश की तरक्की के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। हर्ष राज लकी, कौन कौन आया आपके साथ भाई? मेरे पापा आए हैं और फिर एक किलकारी के भैया और मुकुल सर। अच्छा, पड़ोसी नहीं आए कोई? कोई भी पड़ोसी नहीं है आपके? आइए भाई। इस पड़ाव तक पहुंच गए हर्ष राज लकी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आपको? मैं तो गुरु हूं सर, मैं खुद ही नर्वस था अभी तक। डर बना हुआ था कि गलत नहीं हो जाए, और उसका जो रियलिटी है नेचुरलिज्म का जो वो कर रहा है उसमें वो ड्रामा जबरदस्ती नहीं आ जाए, इसका मुझे बहुत डर हो रहा था, इसलिए मैं देख रहा था कि स्लिप नहीं करे, स्लिप नहीं करे। सर आप क्या करते हैं? मेरा नाम रवि भूषण मुकुल है और पटना में 9 वर्षों से बच्चों को किलकारी में अभिनय सिखलाता हूं। मेरा एक ही सपना है कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे जिसके पास साधन नहीं है उसके चेहरे पर
एक किलकारी जरूर है। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया। किलकारी एक माध्यम है जो उस तरह के गुमनामी के अंधेरे में जी रहे बच्चों का, नीचे तबके के हैं, उनका सपना कहीं ना कहीं उनके अंदर दमित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। जरा नजर उठा के, उड़ा दिखा के, जमीन से फलक। तो किलकारी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक रोशनी का काम कर दी है। सीजन फर्स्ट में हमारे यहाँ से अभिषेक राज गए और वो टॉप सिक्स तक, वहाँ तक आईवीडी में पहुँचे। सेकेंड सीजन में कार्तिकेय राज यहाँ से निकले और टॉप फोर फाइव तक वो पहुँचे। किस्मत के भी इतने खराब नहीं है, इस बार लकी चांस मेरा आएगा, मेरा जैकपॉट लगने वाला है। जो बच्चा इनरोल कर रहा है उसका नाम भी है हर्ष राज लकी। इस बार मेरा बच्चा जरूर विनर होगा, पूरा हिंदुस्तान जानेगा, पूरा वर्ल्ड जानेगा। मुझे एक अच्छा एक्टर बनना था लेकिन पारिवारिक आर्थिक वजहों से और मेरे मार्गदर्शक नहीं मिले, जिसके कारण मैं स्टेबल नहीं हो पाया। लेकिन मेरे अंदर जुनून बहुत था, तो मेरे अंदर लगा कि मैं अपने बच्चों को यहाँ तक डाल सकता हूँ, इनके अंदर मेरी आत्मा बसती है। क्या बात है भाई। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया। आप जैसे लोग हैं ना, रियल हीरोज हैं। आप पर्दे पे हीरो नहीं बन पाए, लेकिन आप निजी जीवन में सोसाइटी के रियल हीरोज हैं, जो हमें इतने प्यारे बच्चे कहां से तराश के उनको आप इतनी मेहनत करके इस मंच तक लेके आते हो, और आज जी टीवी के माध्यम से लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपको सल्यूट करें और आपसे प्रेरणा लें, और लोग अपनी एनर्जी को, अपनी कला को इसी तरह आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में लगा दें। एक स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए। शिष्य की इस अनोखी जोड़ी ने सबको इंस्पायर किया और खूब हंसाया। हंसने हंसाने के इस कार्यक्रम में अगली पेशकश की एक दीवाने दूल्हे ने। हाँ, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। थक गया बेचारा। दूसरों की शादी में नाच नाच कर थक गया हूँ, अपनी जिंदगी से पक गया हूँ। विवेक सर जी, मैं नहीं बन पाया किसी का वर, इसीलिए कल मेरी माँ ने रखा था स्वयंवर। माहौल में दम सन्नाटा छा गया जब रंजीत अपनी लड़की को लेके आ गया। मेरी माँ को देख के कहने लगा, ब्यूटी ब्यूटी, ए मेरी माँ है वो। और जैसे ही डांटा तो मुंह से निकल गया, बेटी बेटी। आखिर में इस मंच पर आया था, सोनाली मैम हाँ कह देगी, इस बार पक्का मन बनाया था। इस बार फिर मैंने आऊ ठोकर खाई जब बाहर एंकर ने आपकी शादी की सीढ़ी दिखाई। चलो सोनाली मैम, अब आपसे शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपके लिए गाना तो गा सकता हूँ ना। बिल्कुल। अकेली बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में, ना आया करो नजर लग जाए। आपके साथ पम्मी आई है, जिन्होंने कहा था कि वो पिज्जा लेके आएंगे। कहाँ है हमारा पिज्जा? पिज्जा अगली बार जरूर मिलेगा। पिछली बार आपने यही कहा था, पर वो जल गया, मैं सीख रही हूँ ना। अगले साल फिर से आना फिर। हा? नहीं। वो तो आप खुश नसीब है कि उसने पिज्जा नहीं लाया। नहीं तो आप क्यों देने के देने बढ़ जाते आपके।
अब तू घर आ, तेरे को कान आ खिलाती। कान के नीचे खिलाती हूँ। ड्रामेबाज के ऑफिशियल दूल्हे की शादी का ख्वाब तो अधूरा ही रह गया, लेकिन आवाज के जादूगर अगले ड्रामेबाज सुपर 16 का ख्वाब लेकर मंच पर आ गए हैं। ओहो, ये वही कंटेस्टेंट है जिसने हमें पिछली बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। वैसे मेरा जलंधर से यहाँ तक आने का सफर ना किसी कहानी से कम नहीं था, क्योंकि जैसे ही फोन आया कहते आईबीडी वालों ने मुझे बुलाया। भाई मेरे उड़ गए होश, सबने दिलाया जोश, मैंने सामान मंगवाया, एक ऑटो वाले को बुलाया, पीछे से बंदर चिल्लाया। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचा, गाड़ी ने फिर हॉर्न बजाया, ड्राइवर ने उसे तेज भगाया। अरे जैसे ही मैं पहुंचा मुंबई, मेरा पैर कुत्ते पे आया। फिर आईबीडी के मंच पे देखा, अरे घाट घाट से टैलेंट आया। पर मैं पंजाबी ना घबराया, अजी जो जो बीता साथ मेरे था, मैंने अपना हाल सुनाया। बेहतरीन आवाज के दम पर अर्जुन ने सबका दिल जीत लिया। दिल जीतने का ये हुनर हमारे अगले ड्रामेबाज में भी कूट कूट कर भरा है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। एक्चुअली मैडम व्हाट हैपेटेटस? क्या हुआ, मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही? ओके यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कांट हेल्पलाइन ऑफ 00 नंबर 486486। You laughing only? I go to police station for lodging warning and complaint. नमस्ते बुजुर्गो, क्या हाल चाल है? इनकमिंग तो हो गई है ठीक, पंगा आउट गोइंग के लिए पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है, अभी भी पची पची मिस कॉल आ जाती है। पंजरा पंजरा रिंग टोन आ जाती है, बस मैसेज नहीं आता। कैसे लगा आपको सुना ली? कैसे लगा आपको? एक्ट तो बदबूदार था लेकिन परफॉर्मेंस खुशबूदार था। सर सिंपल कैलकुलेशन तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, तो अब सर मैं होला हूप भी साथ में घुमाऊंगी और कैलकुलेशंस भी करूंगी। ओ बाप रे, 97 प्लस 89 प्लस 14 प्लस 57 प्लस 77 नहीं सॉरी माइनस 77 प्लस 61 माइनस 66 माइनस 23 प्लस 17 प्लस 27 माइनस 21 माइनस 79 माइनस 68 इक्वल्स टू 0। हेलो 67 माइनस 85 माइनस 0 67 माइनस 85 67 छोटा है। माफ कर दे मेरी माँ, माफ कर दे। चलो चलो अगले ड्रामेबाज को बुलाते हैं जल्दी से, घंटी बजाते नहीं तो मेरी बैंड बज जाएगी। चलो क्विकली। ओहो टडनैन, ओहो ये दीपाली अपना मुंह क्यों छुपा रही है? ये सर ये मेरा एक्ट है। तो शुरू करें हम लोग? हाँ। लाइट्स, कैमरा, सरप्राइज परफॉर्मेंस, ड्रामा। अरे
अरे ये कहाँ से आ गई? अरे इसका चेहरा तो पहले ही जला हुआ है। ये कितनी बदसूरत है। हंसो हंसो मुझ पर, हंसो। तुम लोगों की इस हंसी पर मुझे हंसी कम तरस ज्यादा आ रहा है। मजाक में हंसना अच्छी बात है, पर किसी पर मजाक उड़ाकर हंसना अच्छी बात नहीं है। महाभारत भी द्रौपदी के एक मजाक से ही शुरू हुआ था, लेकिन खत्म हुआ एक भयानक युद्ध पर। सबसे खूबसूरत इंसान सबसे अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, सबसे अच्छा इंसान सबसे खूबसूरत जरूर होता है। माँ दिखने में जैसी भी हो, पर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत इस धरती पर और कोई नहीं होता। लोगों के सबसे करीबी दोस्त सबसे सुंदर तो नहीं, लेकिन सबसे प्यारे जरूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उनकी शक्ल देखकर नहीं, उनका मन देखकर चुनते हैं। खूबसूरती चेहरों में नहीं, देखने वालों की आंखों में होती है। इसीलिए मुझे गर्व है अपने इस चेहरे पर। इस आधे जले चेहरे की वजह से कम कितने लोगों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। पर ये सब बातें मैं आप सब लोगों को क्यों समझा रही हूं? इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपनी तकलीफ और कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का हुनर अच्छी तरह आता है, और वही दिखाने आई थी मैं, और वही दिखा के जाऊंगी। क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरा ये चेहरा याद रहे ना रहे, पर मेरा टैलेंट जरूर याद रहेगा आपको। क्या कहूं? बारह साल की उम्र में मैं शॉक्ड हूं कि आप कैसे ऐसा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। आई मीन डांसिंग की तो आप क्वीन हैं, अमेजिंग। तो मेरे लिए तो वो सुपर फैब्यूलस, आई लव यू। थैंक यू सर। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे लगता है कि आप इस कंपटीशन में सिर्फ सुपर 16 की नहीं बल्कि इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज जीतने की दावेदार। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा दीपाली, बहुत मैच्योरिटी थी आपके परफॉर्मेंस में, और इतनी कम टाइम में जिस तरह की फिनिशिंग आपने इस एक्ट को दी है, इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। हैट्स ऑफ टू यू, फैबुलस जॉब। थैंक यू मैम। दीपाली यू आर अ जेम। पैकेज जो ढूंढ रहा हूं ना वो आप हो। यू आर फैंटास्टिक। डांस तो आप अच्छा करती हो, उसका तो सवाल ही नहीं आता है। मतलब के साथ जो एक्टिंग, ओ माय गॉड, सटल्टी, इमोशंस, जो वॉइस का थ्रो करते हो, ओ आई लव यू, आई जस्ट लव यू। थैंक यू सो मच।
दीपाली, मैं एक चैलेंज देखने वाला हूँ आपको, इम्प्रॉम्प्टू, सडनली, ठीक है? ठीक है। मैं एक सिचुएशन दूंगा आपको, उस सिचुएशन में आपको परफॉर्म करना है, एक्ट भी करना है, लेकिन डांस करते हुए करना है, ठीक है ना? हाँ। आपके सामने एक पतली सी गली है, बहुत तंग गली, बहुत पतली, आगे पीछे आसपास चलते चलते कुत्तों ने भी अपना काम कर रखा है, उसमें से आपको डांस करते हुए लेकिन बचते बचते निकल के आगे आना। रेडी? रेडी। एंड एक्शन। आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, रोटियां बेल रही है डांस करते हुए, ठीक है? रेडी? हाँ। ओके। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे स्टेज पे आई हैं। थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपसे मिलके। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सोनाली, उमंग, फाइनली इट्स डन। हाँ, सुपर 16 में आप जानते हैं ऑलरेडी जोया को हम चुन चुके हैं। हम पूरी दुनिया को इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के सुपर 16 से मिलाने का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। ओके। मैंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिला है, तो मुझे लगता है मैं सुपर 16 में सिलेक्ट होंगी। मैं गुरु से अरदास कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। पहला नाम है दिल थाम के बैठे। हर्ष राज लकी। विनायक वर्मा। शुभांगी मंजी। अर्णव कालकुंद्रे। स्निग्धा देशमुख। RSS 1 2 3 4 5 6 7 8। और आ रहे हैं सोहम वर्मा। समृद्धि राठौर। गर्वित मलिक। ज्योत स्वरूप। पल्ले पल्ले पल्ले। यस, बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 3 सुपर 16 में लास्ट नाम है
दीपाली बोरकर। सीजन 3 के सुपर 16। बच्चों आपको मिलता है ये गिफ्ट हैंपर।